आज यह ईटानगर इंदिरा गांधी पार्क में मोदी गवर्नमेंट के 9 साल और पेमा खांडू साहब के 7 साल का सेलिब्रेशन महारैली का तौर पे हजारों तादाद में 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता उपस्थित हुआ और जितने भी 9 साल में हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार ने जनता के लिए कारनामा किया, गरीबों के लिए काम किया और अरुणाचल प्रदेश में हमारे पेमा खांडू के नेतृत्व में 60 साल में इतने बड़े बड़े, जो सबसे बड़ा यह ऐलान हुआ है जब 2015-16 में हमारे अरुणाचल प्रदेश में पहली बार यह हमारा पेमा खांडू का सरकार शुरू हुआ, इसमें अरुणाचल प्रदेश के अपने सेल्फ अर्न रेवेन्यू सिर्फ 900 था, लेकिन 60 साल के अंतर्गत 900 से लेकर 3,500 करोड़ स्टेट का रेवेन्यू का इंक्रीज किया है। और बजट 2016 में 12,500 करोड़ था और आज 60 साल के बाद 30,000 करोड़ बजट फाइनेंशियल फिस्कल बेस्ट एवर फॉर्म में मैनेज किया और ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। और आज खास करके जो ये हमारा किरण जी का अनाउंसमेंट है आज के दिन में, आज जो है खास करके मैं पेमा खांडू जी और किरण जी को आपके मरियम से आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि होलोंगी एयरपोर्ट जो हमारे नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के जनता को गिफ्ट के तौर पे दिया है और हमारा अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू के नेतृत्व में किरण जी का गाइडेंस में ये एयरपोर्ट बना। आज ये एयरपोर्ट जो है कनेक्टिविटी यहाँ से गुवाहाटी दिल्ली कलकत्ता और उसके पश्चात आज किरण जी ने अनाउंस किया जल्द ही होलोंगी एयरपोर्ट से सीधा दिल्ली के डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाले हैं। ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज़ है खास करके पब्लिक के लिए। और हमारा आज चीफ मिनिस्टर ने जितने भी हमारा मोदी गवर्नमेंट के अचीवमेंट, जितने भी हमारा जो पेमा खांडू के अचीवमेंट को हमारे पब्लिक को आज बताया, जैसे हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जैसे हर गांव हर घर में सड़क, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी था 2022 तक हर गांव में हर घर में सड़क रोड पहुंचना चाहिए, हर घर हर गांव में नल होना चाहिए, नल में पानी होना चाहिए, जल होना चाहिए। जे एम मिशन के तहत पानी जो उपलब्धि किया, बिजली जो उपलब्धि किया, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमें हमारे जनता को हमारा यहाँ के आज के जो भारतीय जनता पार्टी के और जन सैलाब को आज हमारे जो 60 साल में पेमा खांडू का जो उपलब्धि के बारे में जो बहुत अच्छी तरह से बताया और ये जो हमारे नरेंद्र मोदी का 9 साल का जो उपलब्धि में सभी का यहाँ सराहना देने का इसलिए जरूरी हो गया है कि भारतवर्ष में भारत हमारा बीजेपी सरकार नहीं आने से पहले, मोदी जी नहीं आने से पहले, हम सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश और इंडिया, खास करके इंडिया का इमेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा लेवल में गिर के बैठा हुआ था, लेकिन मोदी जी आने के साथ आज भारत दुनिया के सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण देश बन चुके हैं और दुनिया के फास्टेस्ट एवर डेवलपिंग कंट्री बन चुके हैं और बहुत ही गर्व की बात है और आश्चर्यजनक बात है कि इंडिया टुडे स्टैंड्स एट द 5th पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इतने डेवलप्ड कंट्री के बीच में भी, सिविलाइज्ड कंट्री के बीच में भी इंडिया ऑक्यूपाइज 5th पोजिशन इकोनॉमिकली इन द वर्ल्ड। दिस इज अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट अंडर द लीडरशिप, डायनामिक लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू इन द स्टेट एंड आर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द सेंटर। तो इसलिए आज जितने भी हैं और किरण जी का जो यहाँ टावर के बारे में, मोबाइल टावर के बारे में उन्होंने अच्छी तरह से बताया, कनेक्टिविटी होना पड़ेगा। मोदी ने इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाया, डिजिटल इंडिया को चलाने के लिए डिजिटल इंडिया के तहत हम सभी को इन्वॉल्व करने के लिए टावर का ज़रूरत है, कनेक्टिविटी का ज़रूरत है। सभी गांव में घर घर में टावर दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में और जहाँ जहाँ टावर नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, पूर्ण करने का काम पूरा चल रहा है।